पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार के किए कार्यों को भाजपा सरकार बिगाड़ रही है, जिसकी वजह से आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है। तो वहीं बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, विकास पर भाजपा का कोई और भी ध्यान नहीं है। कैराना, फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जनता महंगाई से मुक्ति चाहती है, पर सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि वो अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पार्क में नमाज ना पढ़ने के योगी के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से प्रदेश का भला नहीं हो रहा, इससे समाज का स्वरूप बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उन सभी लोगों का सहयोग करेगी जो समाज में जहर घोलने का काम करने वालों के खिलाफ समाजवादी सोच से काम करेंगे। तो वहीं महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर बचते नजर आए। संबल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के एक व्यक्ति के मुंह में डंडा डाल के भगाने पर बोले कि भाजपा और उनके समर्थक लोगों की हत्या, लूट और प्रताड़ित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आज मुरादाबाद में युवा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार की सच्चाई और भारतीय जनता पार्टी की झूठ को बताने के लिए युवा सम्मेलन का आयोजन किया है कि जनता को अखिलेश यादव जी के विकास परक बात बताई जाए। जो अखिलेश यादव जी ने भाईचारा बनाया उसको भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम कर रही है, विकास पर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। इन बातों को नौजवानों को बताने के लिए नौजवान गांव-गांव बूथ स्तर पर जाकर के बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल खोलेंगे। क्या एक सवाल था मेरा, आज लोकसभा में तीन तलाक बिल लाया जा रहा, आप प्रदेश अध्यक्ष सभा के, क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जितने ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में है और इसी का परिणाम अभी कैराना लोकसभा में, नूरपुर विधानसभा में और गोरखपुर में और फूलपुर लोकसभा में आया है। जनता चाहती है कि महंगाई खत्म हो, जो बीजेपी ने कहा था, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिले, लेकिन बीजेपी इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए रोज इस तरीके की जुमलेबाजी करती है। एक सवाल, ये जितने भी नौजवान साथी बोलो बोलो बोलो, सरकार में मंत्री है कैबिनेट मंत्री गिरिराज जी, वो एक चूट टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर कल यहाँ पे, क्या चला रही है सरकार, क्या चाहती है सरकार? देखिए, जिन मंत्री जी का आपने नाम लिया है उनको हमने टेलीविजन में सदैव झूठ बोलते हुए देखा है, भारत की सामाजिक समरसता को बिगाड़ते हुए देखा है। उन्होंने भारत की अनेकता में एकता को कभी नहीं ध्यान दिया है। भारत हमारा दुनिया में सबसे अच्छा देश है, लेकिन इस मुल्क में अमन चैन बिगाड़ने का काम उन मंत्री जी के बयानों से होता है। साढ़े चार साल की सरकार सेंट्रल में रही, कितने नंबर मिलेंगे, देना चाहेंगे? देखिए, साढ़े चार साल की भारतीय जनता पार्टी की साल की पांचवी साल खत्म हो रही है और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात,
10 करोड़ रोजगार होने चाहिए, कोई रोजगार नहीं मिला। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लाभकारी मूल्य देना था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू हुई है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1000 का हो गया 350 वाला, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, मिट्टी के तेल का दाम, खाद का दाम, दवा का दाम, पढ़ाई का दाम लगातार बढ़ रहा है। जनता इन सब बातों को जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करेगी। क्या क्या कांग्रेस सर इतनी बुराई को बुराई दिखाई रहा है इस सभा को, दूसरे स्टेट में संबंध रखती है और यूपी में नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कल कहा भी है कि जब कांग्रेस पार्टी हमारा सहयोग नहीं लेना चाहती तो हम कांग्रेस पार्टी का क्यों सहयोग लेंगे। क्या कहें कि कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देना चाह रही है, सपा समर्थन नहीं देना चाह रही? अब इन सब बातों पर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला लेगा और अभी कल ही आपके टीवी चैनल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बातें कही हैं, आप सबने दिखाया भी है। आगे जो भी समाजवादी पार्टी का रूप होगा उसको पूरी तरीके से अखिलेश यादव के सामने रख देंगे। मुरादाबाद में एक विरोध चल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, शहर में बोर्ड लगाए जा रहे हैं, एक अलग तरीके का मैसेज है, क्या कहें? देखिए, आज हम युवा सम्मेलन में आए हैं, यहाँ समाजवादी पार्टियों को नीतियों को, कार्यक्रमों को, विचारधारा को बताने और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको अपने युवाओं को बताने के लिए हम आए हैं। एक नमाज को लेकर एक यूपी गवर्नमेंट ने, एक योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है कि पार्कों पर किसी तरह का नहीं किया जाए कहीं पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, ये दुनिया का भारत का सबसे बड़ा राज्य है और मुख्यमंत्री संविधान की कसम खाते हैं कि हम राग द्वेष से हटकर काम करेंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी कैसे बयान देते हैं जिससे इस प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं। कैसी राजनीति हो रही है? ये राजनीति जो है समाज के स्वरूप को बिगाड़ने वाली राजनीति हो रही है, इसीलिए जनता इनसे पूरी तरीके से नाराज है। तो एक सवाल है, कल जो एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि सपा और बसपा के गठबंधन होने के बाद में किसी को कांग्रेस की उसमें कोई जगह नहीं रहेगी, तो ये अभी तक चल रहा था, ये सब नहीं, समाजवादी पार्टी ने सदैव कहा है कि हम उन सभी लोगों का सहयोग लेंगे जो भारत की जो राजनीति है उस राजनीति में जहर घोलने वालों के खिलाफ समाजवादी सिद्धांतों पर, समाजवादी विचारधारा पर माननीय अखिलेश यादव जी भरोसा करते हैं, हम सब के वो नेता हैं और जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा वो श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा तय करेगा। तो क्या हम ये माने कि जो महागठबंधन का नाम जो चल रहा था सिर्फ एक हवाई अब गठबंधन के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो समाजवादी पार्टी का है वही तय करेगा और वही आपके सामने बात रखेगा और जनता के सामने भी रख देगा। दो बातें निकल कर आ रही हैं, गठबंधन और महागठबंधन, महागठबंधन का नाम अभी तक खुल के सामने आया है। जो भी गठबंधन होगा उस गठबंधन की रूपरेखा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में होगा। देख जी, नोएडा में जो रोक लगाई गई है उस मामले में देखिए, समान व्यवहार होना चाहिए समान व्यवहार होना चाहिए। भारत में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार बीजेपी नहीं कर रही है। ओवैसी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है कि वो इमरान खान की बातें बोल रहे हैं पाकिस्तान। हम इतना जानते हैं कि देश के अंदर सबको अमन चैन से रहने का मौका मिले, सब लोग सुखी हों और शांतिपूर्वक इस देश की तरक्की में भाग लें। एक बीजेपी मतलब संभल का अंदर जहाँ एक बीजेपी का नेता है, एक आदमी को उन्होंने डंडा डाल दिया था, क्या पूरा मामला था वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही आदमी को मुंह में डंडा नहीं डाल रही, जाने कितने लोगों की इनके समर्थक लोग हत्या कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। बीजेपी के जमाने में लोग दहशत में हैं।